बोलने के लिए हम अभी जिंदा है, ठीक है। जिसको ब्लॉग बनाने नहीं आता है, जिसको वीडियो बनाने नहीं आता है, ऐसी ऐसी महिलाओं के लिए उनकी लाठी हम बनेंगे, उनको चलना हम सिखाएंगे, उनको वीडियो बनाना हम सिखाएंगे, वीडियो को वायरल कैसे करना हम सिखाएंगे। दोस्त यही बनवाती है, यही डालती है, सारा कुछ यही करती है। मैं ड्यूटी चली जाती हूँ। देखो सुनिए, हम बता दे रहे हैं, ब्लॉग जब भी बनता है तो ऐसे बनता है, मतलब ऐसे बेड़ा करके। अभी तक आप एक ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई है? शॉर्ट वीडियो ऐसे बनता है, ठीक। और एक चीज, एक ब्लॉग का मतलब होता है एक मिनट से ऊपर, ये ना कि 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड, एक मिनट से ऊपर है तभी ब्लॉग बनेगा आपका। ब्लॉग आपका बना दे रहा है, ठीक। लेकिन आपको ये चीजें सीखना, ये सब चीजें अच्छा रहेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, एक सिस्टर आई है मिलने के लिए, बहुत ही प्यारी इनकी। और यहाँ पे रिया भी है, और यहाँ पे रिया भी कुछ कहना चाहती है। रिया क्या कहना चाहती हूँ? हमारी चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, उड़ा दीजिए यूट्यूब पर से, उड़ा दीजिए। तो दोस्तों, छन छन का नाम है सुमन नाथपुरी, मेरे चैनल का नाम है। आप लोग चैनल को ढेर सारा प्यार दुला दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो भी बहने वीडियो बनाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, भाई लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको कितना भी यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप लोग, कोई भी हमारे घर आता है, ऑटो वाले भाई लोग से कहना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे घर आता है तो आप उतना ही किराया लीजिए जितना आपका बनता है। और अब आप अगर मेरा घर जानते हैं तभी लेकर आइए, कहीं ला करके रास्ते में मत छोड़िए, नहीं तो मेरा बदनामी होगा, ठीक है। आप लोग से यही निवेदन है मेरा। और जो भी मुझे जानता है आपके बारे में, अगर मेरे बारे में कोई आपसे पूछता है, कोई भी सब्सक्राइबर बहन भाई आते हैं पूछते हैं, तो प्लीज आप लोग बता दिया करिए। इससे क्या होता है कि उस बंदे का रास्ता है जो सफल हो जाता है। मान लीजिए आते आते भटकते भटकते रात हो जाता है, मेरे पास रुकने का रोकने का व्यवस्था नहीं है दोस्तों, अभी मेरा घर बना नहीं है, मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं किसी को बाहर चला नहीं सकती, मेरे वहाँ बहुत सारे जानवर आते रहते हैं, और यहाँ पे बगल में शमशान घाट है, हम लोग वैसे अपना जान हथेली पर लेकर के काम करते हैं। आप लोग से यही कहना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज गलत मोटिवेशनल में किसी को मत लेके जाएं, कोई भी वीडियो बनाता है उसको गलत नेचर से, निगाह से मत देखिए, अपना खुद का मेहनत का, अगर आदमी वीडियो बना रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, तो उसको जीने जीने दीजिए, जियो और जीने दो, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ घर चलाने का अलावा अगर वीडियो बना रही है, दो पैसा कमाने का सोच रही हैं, तो मर्दों लोग को भी चाहिए कि उनका सपोर्ट करें। आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? जी करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, दुनिया तो सपोर्ट करेगी ही आपको। और दोस्तों आप लोग से एक बात और बताना चाहूंगी, फिर से बोल रही हूँ, मैं अपना खुद का वीडियो नहीं शूट करती हूँ, लेकिन दीदी का वीडियो अपने हाथों से शूट कर रही हूँ, कैमरा मैन इनका वीडियो शूट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैमरा मैन है, कैमरा मैन मेरे, मैं बताई हूँ, पहले ही बताई हूँ, मैं अपने कैमरा मैन खुद रखी हूँ, क्योंकि मैं अपना वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, मेरे कैमरा मैन मैं खा रही हूँ, बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारा वीडियो वो शूट करके डालते रहते हैं, तो यही सब बातें। पहली बार अपने कैमरे में इनके, अक्सर करके महिलाओं के कैमरा आप ही पकड़ती है, मैं देखा हूँ उन लोगों को पकड़ने, महिलाएं दोस्तों आज तक रिकॉर्ड तोड़ा कि कोई अपने कैमरा पकड़ के वीडियो मेरे पास नहीं बनाया। मैं सबका कैमरा अपने खुद लेती हूँ अपने हाथ में, उनका वीडियो बनाती हूँ, उनके साथ फोटो लेती हूँ, दो तीन चार सेल्फी जितना भी लेना रहता है लेती हूँ, उनको दे देती हूँ, बोलती हूँ कि और कुछ चाहिए आपको तो बताइए। दोस्तों दिन में सुबह से और शाम तक 100-150 आदमी, कभी कभी 50 आदमी, कभी 100 आदमी आते हैं, 10-10 सेकंड, 10-10 मिनट अगर हम सबको देंगे तो बहुत हो गया दोस्तों। तो यही हम चाहते हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दुला दीजिए। फर्स्ट ब्लॉग ये दीदी का जा रहा है, आप लोग इतना प्यार दीजिए कि हमारा वीडियो बनाया सफल हो जाए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग हमें प्यार दुला दे रहे हैं। एक कैमरा आपके हाथ में पकड़ना सफल हो जाए, बस यही हम भी चाहते हैं कि ये कैमरा पकड़ना सफल हो जाए। और बाकी आपका यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से जाइएगा, फोन करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय 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 बोलिए, बाय बाय दोस्तों। इस वीडियो को क्या किया जाए? एंड एंड अभी देखिए, आप ब्लॉग बनाने नहीं आया, प्रमोशन के लिए आ गए, देख रहे हैं, प्रमोशन के लिए आ गए, अब बनाने बोलने के लिए हम अभी जिंदा है, ठीक है। जिसको ब्लॉग बनाने नहीं आता है, जिसको वीडियो बनाने नहीं आता है, ऐसी ऐसी महिलाओं के लिए उनकी लाठी हम बनेंगे, उनको चलना हम सिखाएंगे, उनको वीडियो बनाना हम सिखाएंगे, वीडियो को वायरल कैसे करना हम सिखाएंगे, ठीक है। कोई अपने आप तक गुरूर ना करे कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, यही लोग आपको सेलिब्रिटी बनाते हैं और यही लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, तो कभी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई भी आपके दरवाजे पे जाता है तो कुछ सोच के जाता है, कुछ समझ के जाता है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि कोई भी यूट्यूबर आपके घर जाए, आपके पास जाए,
आप बलाएं उनको पानी मत पूछिए, लेकिन उनका एक वीडियो बनाइए, क्योंकि उनका वीडियो बना देंगे तो उनका जाना सफल हो जाएगा। वो वीडियो के लिए आते हैं, उनको आपसे कोई लगाव नहीं होता है। आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, अपना कीमती डाटा वेस्ट करते हैं, हर महीने डाटा भरवाते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पसंद आती है वीडियो तो दूसरों को भी भेजते हैं वो वीडियो, है कि नहीं? हाँ जी भेजते भेजते हैं ना, भेजते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो पहले करिएगा, और अच्छी तो लगी ही होगी क्योंकि मैंने ये वीडियो गलत नहीं बनाया, मोटिवेशनल वीडियो बनाया औरतों के लिए, औरतों के हित में। सभी लोग जानते हैं जगत जननी माता के नाम से हम जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले, थोड़ा दिन मतलब मेरा नाम चल रहा था स्ट्राइकर भौजी, तो भैया हम यह कहिला, अरे आपका तो कई नाम, कभी सेरनी भौजी, कभी स्ट्राइकर भौजी, तो कभी जगत जननी वाली भौजी। देखा हम बताओ तो नहीं, अगर हम गांधी जी ना है, एक थप्पड़ मार दी तो हम दूसरे का गलवा आगे कर दे। हम सुभाष चंद्र बोस है, ठीक ना, हम सुभाष चंद्र बोस का नारा अपनाते। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, और हम कहते हैं तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें स्ट्राइक देंगे। तो बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं तो उनको हम स्ट्राइक देते हैं, तो उनको बड़ा तेज मिर्ची लगता है। चलिए दोस्तों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी को मिर्ची लगे या कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल दीदी को आप लोग खूब सारा प्यार दिला दीजिए।